हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो आज फिर मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस से आप सभी के सामने आ रहा हूँ। सो आज हम बनाएंगे वेज कीमा। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे कंडीशन इंडिया में थोड़ी ठीक नहीं चल रहे हैं। सो अभी हम चिकन तो नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ WHO ने नहीं बोला है। WHO ने डिक्लेयर किया है कि आप खा सकते हो अनलेस एंड अंटिल इट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो बट हमको ऐसे लग रहा है कि प्रिकॉशंस ठीक है, अभी प्रिवेंशन थोड़ा बेटर रहेगा। तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए बनाया है, हमको उन सबको फॉलो करना चाहिए। सो ये तो छोटी सी बात है, जल्दी से चली जाएगी और हमारा इंडिया वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सो चलिए आज हम वेज कीमा बनाते हैं। मेरा वर्जन, मैं उसको कैसे बनाता हूँ, मैं इसमें टोमेटो नहीं डालूंगा आज, वो मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं डालूंगा और इस रेसिपी को प्रोसीड कैसे करना है, क्योंकि मेरे वीडियोस पहले ही बहुत सारा लेंदी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आज मैं कम से कम बोलने की ट्राई करके आपको जल्दी से जल्दी रेसिपी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स देखें। मेरे के लिए हमको सोयाबीन लेना है, ये मैंने मोटी वाली सोयाबीन की बड़ी ली है, तो ये सोयाबीन बड़ी है। एक अनियन लिया है मैंने बड़ा वाला चॉप करके। यहाँ पे ये मेरे पास धनिया पत्ती है जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। कॉर्न लिया है, कॉर्न ऑप्शनल है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टीस्पून। ऑयल, हम ऐसे सिंधीज में वैसे भी हम हर एक चीज़ में ऑयल ज़्यादा डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 to 4 tablespoons मैंने ऑयल लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, एक चिली को मैंने एकदम छोटा छोटा चॉप कर लिया है, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 teaspoons धनिया पाउडर है। जीरा है तड़का मारने के लिए। रेस्ट हमको कुछ मसाले लगेंगे, तो वो मसाले हम इसके साथ ही ले लेंगे। सो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अनियन को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगा और मुझे चॉपर वैसे भी इसके लिए लगेगा, सो इसलिए मैंने अनियन को चॉप नहीं किया ऑलरेडी। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमको क्या कंसिस्टेंसी पे रखना है, और इसको तो मैं अभी चॉप कर ले रहा हूँ चॉपर में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना फाइनली चॉप किया है, हमको इतना फाइनली ही चॉप करना है क्योंकि ये कीमा है, कीमे के अंदर हम ज़्यादा मोटा प्याज नहीं रख सकते हैं। सो अभी हमको क्या करना है कि एक पैन में ऑयल गर्म करना है। तो यहाँ पे इस पैन में मैं ऑयल डाल ले रहा हूँ सबसे पहले, बहुत सारा ऑयल लिया मैंने क्योंकि यूजुअली इसको थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लगता है। मैं इसको ज़्यादा ऑयल में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्टफिंग करना है अपना पैटिस में, सो इसके वजह से मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। और अब मैं इसके अंदर अपना अनियन डाल दूँगा। सो यहाँ पे ये ऑयल में मैंने ये अनियन डाल दिया है, इसको हम एकदम रेड या पिंकिश ब्राउन कह सकते हैं आप, तब तक भून लेंगे। और मैं अभी यहाँ पे चॉपर में ही, सेम चॉपर लिया है मैंने जिसमें मैंने अनियन चॉप किया, उसमें मैं आपको सोयाबीन को क्रश करके दिखाऊंगा। द रीज़न बिहाइंड आई टेक सोयाबीन बड़ी, वो मुझे थोड़ा कोर्स टेक्सचर चाहिए रहता है। आप पतली सोयाबीन बॉइल करके ले सकते हो, बट मुझे उसका कोर्स टेक्सचर अच्छा लगता है। सो इट्स योर चॉइस, टोटली आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो हमको ये इतना कोर्सली ही चाहिए रहता है, इससे कोर्स टेक्सचर से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है और एकदम चिकन के जैसे लगता है। सो अब मैंने इसको क्या किया था, सोयाबीन की बड़ी को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसको प्रॉपरली बॉईल किया, उसके बाद मैंने उसमें इसे स्क्वीज करके पूरा पानी निकाल दिया और अब इसको चॉपर में ऐसे करके क्रम्बल किया। आप पतली सोयाबीन भी ले सकते हैं अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो। सो चलिए अब हमको जल्दी से जल्दी वो कीमा रेडी करना है। सो अनियन को रेड होने देते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर बार भूल जाता हूँ, अब देखिए ये अनियन ऑलमोस्ट पिंक हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको जीरे का तड़का मारना था। जब अनियन पिंक हो जाए तभी हमको ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है ताकि उनका रॉ स्मेल निकल जाए, और इसी स्टेज पे कॉर्न भी डालना है आपको ताकि वो भुन जाए अच्छे से, कुक हो जाए। कॉर्न को इतना कुक होने की ज़रूरत नहीं होती है, और चिलीज भी डाल दिए मैंने इसमें। अब हम इनको अच्छे तरीके से ब्राउन होने देंगे अनियन को, और जो जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल है वो भी निकल जाएगा इससे। सो अब इसको हम ब्राउन करेंगे, ब्राउनिश रेड भी बोलेंगे तो भी चलेगा। आप इसमें टोमेटो ऐड कर सकते हो जब भी आपको ये सर्व करना हो भाजी के इसके साथ, भाजी के फॉर्म में,
अगर आपको ये रोटी के साथ खाना हो या चावल के साथ, तभी आप इसमें टोमेटो ऐड कर सकते हो। मुझे ये अभी पैकेट में स्टफ करना है, सो इसकी वजह से मैं इसमें टोमेटो नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि टोमेटो ऐड करने से वो सॉफ्टी हो जाता है। सो ये ऑलमोस्ट रेड होने पर आया है, तो चलिए इसको रेड करते हैं फटाफट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडिश हो गया है। तभी इस स्टेज में मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर टीस्पून चिकन मसाला है और हाफ टी स्पून चाट मसाला है। चिकन मसाला है प्योर वेज, इसमें सिर्फ गरम मसाले होते हैं। मुझे काफ़ी बार मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने पूछा है कि वेज डिशेज में चिकन मसाला, तो चिकन मसाला इस प्योर वेज, उसमें सिर्फ गर्म मसाले होते हैं। तो मसालों ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब ये ऑलमोस्ट भुन चुका है, अब मैं इसमें अपना जो सोयाबीन मैंने चॉप किया था चॉपर में वो डालूंगा। इस चीज के साथ आपको क्विक होना पड़ेगा, इसको आपको ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बॉइल्ड है, इसको हल्का भुनना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सोयाबीन को मिक्सी में कर सकते हो, बट आपको पल्स मोड यूज करना पड़ेगा आपके मिक्सर का। तो अब हम इसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और हल्का भून लेंगे, क्योंकि सोयाबीन ऑलमोस्ट बॉइल्ड है, तो इसको हल्का कलर आने तक हम भूनेंगे और मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। अब इसका कलर मुझे थोड़ा कैसे अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक अच्छा है बट मुझे स्टिल वो रेडिश कलर चाहिए हल्का। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग कलर्स एंड ऑल, मैं इसमें इतना सा जो सेजवान सॉस आता है, सेजवान चटनी चिंग्स की, वो ऐड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट देती है वो। आप कोई भी ब्रांड का सेजवान सॉस यूज कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली चिंग्स बहुत अच्छा लगता है। सो ये हमारा ऑलमोस्ट कीमा रेडी हुआ है। सो ये कुक भी हो चुका है और आप कलर देख सकते हैं, इसका निखर गया। सो अब इसकी बारी है प्लेटिंग की। अब मुझे तो ये पैटिस में डालना है, तो मैं इसको हल्के एक वाइट बोल में डाल के, इसको आप गार्निश कर सकते हो धनिया पत्ती के साथ। इफ आप चीज़ लवर्स हो, चीज़ का एक क्यूब कद्दूकस करके डाल दोगे, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। सो ये ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा, अब हम इसको सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कीमा, वेज कीमा बन के तैयार हुआ है। आप इसमें टमाटो ऐड करके इसको कीमा पाव की तरह भी सर्व कर सकते हो। मुझे ये फील करना है, इसलिए मैंने इसमें टमाटो ऐड नहीं किया। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा हो। इस रेसिपी को आप, इस वीडियो को आप 25 लाइक्स तक पहुंचाते हो, सो फिर मैं आपको उसके बाद मेरे स्टाइल में मैं कीमा पैटर्स कैसे बनाता हूँ, मेरी आलू की टिक्की कैसे बनाता हूँ, वो सब बता दूंगा। बट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, कमेंट करके मुझे फीडबैक्स दीजिए मेरे लिए कि मैंने कैसे बताया है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, वो सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।